एक मार्क है, एक बेंच मार्क है कि टाटा मोटर्स और महिंद्रा मोटर्स, ये एक मतलब गाड़ी हो इनकी तरह की हो। तो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल खतीजा मेहरान रिएक्शन, इट्स मी योर होस्ट खतीजा वसीम और मेरे साथ हैं मेहराना से। कंपनी जो कि इंडिया की बहुत ज़्यादा मशहूर है, उनमें एक टाटा मोटर्स कंपनी है और दूसरी जानब महिंद्रा, और इन दोनों के हवाले से हमें कंपैरिजन करने जा रहे हैं कि महिंद्रा वर्सेस टाटा मोटर कंपनी कंपैरिजन। हिंदी में है सारी चीज़ें और देखेंगे कि क्या बैकग्राउंड है, क्या इनका फ्यूचर हो सकता है, इनकी इकोनॉमी क्या है, इनके जो कंट्रीब्यूशन है मुल्क के लिए वो क्या है, कौन बेहतर है, किस में क्या फॉल्ट हो सकते हैं, इस सारे सिनेरियो के वाले से हम एक वीडियो और को ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आने वाली है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन उसके साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मस्ट सब्सक्राइब अवर चैनल और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते और देखते हैं। टाटा और महिंद्रा, देश में जब कोई मध्यम वर्गीय इंसान किसी दूसरे को अमीर बनने के लिए या मेहनत करने के लिए या कहें कि अपना लेवल बताने के लिए अक्सर जिन दो नामों का जिक्र करता है वो यही टाटा और महिंद्रा होते हैं। देश की दो सबसे प्रतिष्ठित कंपनी जिसे आजादी से कुछ साल पहले ही शुरू किया गया था, वो आजादी के बाद भी आज हमारा साथ दे रही है या कहें कि देश की रीढ़ बनी हुई है, चाहे वो टाटा के ट्रक हो या महिंद्रा की ऐसी हुई। दोनों समय समय पर एक से एक जरूरी प्रोडक्ट को भारत के बाजारों के हिसाब से निकाल कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों कंपनियों को देख कर ये सवाल मन में जरूर आता है आखिर कौन सी कंपनी इस समय इस रेस में आगे है। आज के वीडियो में हम आपको इन्हीं दो कंपनीज को कंपेयर करके आपके सामने रखने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। क्या अच्छी गाड़ी। सफलता वो नहीं जो आपको तोहफे में मिल जाए, बल्कि सफलता वो है जिसके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़े। विश्व भर में सफलता के कई ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। भीषण तूफानों जैसी मुसीबतों का सामना कर इंसानों ने हैरान कर देने वाले कारनामे करके दिखाए। इनमें कई बड़ी व्यवसायिक कंपनियां भी शामिल हैं। इसी क्रम में हम पहले आपको बताते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के बारे में, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी ये कंपनी कभी महिंद्रा एंड मोहम्मद के नाम से भी जानी जाती थी। जी हाँ, और ऐसा क्यों था आइए जानते हैं। जगदीश चंद्र महिंद्रा का जन्म 1892 को हुआ था और इसके 2 साल बाद उनके भाई कैलाश चंद्र महिंद्रा का जन्म हुआ था, जिन्हें जेसी और केसी कहा जाता था। जेसी और केसी 9 भाई बहन थे। बहुत कम उम्र में ही उनके सिर से पिता का साया उठ गया। जगदीश चंद्र महिंद्रा को पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। जेसी महिंद्रा कम उम्र में ही समझ गए थे कि अगर ऊपर उठना है तो बुलंद हौसलों के साथ शिक्षा भी जरूरी है, इसलिए उन्होंने अपने भाई बहनों को उच्च शिक्षा दी और भाई केसी को पढ़ने के लिए कैम्ब्रिज भेज दिया। बड़ी लगन से अमेरिका में पढ़ाई करने के बाद केसी महिंद्रा कुछ समय के लिए अमेरिका में नौकरी भी करने लगे। उसके बाद वो साल 1945 में भारत लौट आए क्योंकि उनका वहाँ मन नहीं लगा। 1945 में केसी जब भारत लौटे तो उन्हें कई सरकारी पदों के साथ साथ कई प्राइवेट संस्थाओं से बड़ा पद ऑफर हुआ, लेकिन उन्होंने अपने बड़े भाई जेसी महिंद्रा और अपने दोस्त मलिक गुलाम मोहम्मद के साथ मिलकर अपना नया बिजनेस शुरू करने का मन बना लिया था। इसी मन के साथ ही तीनों एक साथ मिलकर एक कंपनी की शुरुआत करते हैं जिसका नाम था M&M, यानी महिंद्रा एंड मोहम्मद। शुरुआत में कंपनी को इसी नाम से जाना जाता था। इसके बाद ही देश आजाद हुआ और पार्टीशन में मोहम्मद साहब पाकिस्तान चले गए। इस कारण कंपनी का नाम तो M&M ही रहा, लेकिन अब वो महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गई थी। इसके बाद उन्होंने विदेश में चलने वाले एक जीप को देखा जो उन्हें बहुत पसंद आई, इसलिए वो भारत में भी उसी तरह की जीप बनाने में लग गए। इसके बाद तो महिंद्रा ने पीछे मुड़ कर नहीं देखा। महिंद्रा एक्सयूवी, महिंद्रा स्कॉर्पियो से लेकर और भी बहुत सी महिंद्रा की ऐसी गाड़ियां उन्होंने दी जो भारतीय लोगों की तरक्की की निशानी बन गई। आज महिंद्रा की बागडोर जेसी महिंद्रा के पोते आनंद जी महिंद्रा के हाथों में है। आज सिर्फ महिंद्रा ऑटोमोबाइल ही नहीं बनाती बल्कि स्पेस क्राफ्ट, इंश्योरेंस, आफ्टरमार्केट, डिफेंस, एनर्जी, फार्म इक्विपमेंट, फाइनेंस और बहुत सी इंडस्ट्रीज में लगातार काम कर रहा है। आज अगर महिंद्रा ग्रुप के अंदर टोटल नंबर ऑफ कंपनीज की बात करें तो 150 है, जिनमें करीब 2.5 लाख लोग नौकरी करते हैं। 2021 की बात करें तो इस कंपनी ने पिछले साल 45,000 करोड़ रुपए की एनुअल सेल की थी,
जो कि अपने आप में एक बड़ा अमाउंट है। और आज महिंद्रा कंपनी नेटवर्क की बात करें तो वो 190 करोड़ US डॉलर है, यानी करीब 13.5 हजार करोड़ रुपए। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि महिंद्रा के साथ ही एक और कंपनी ने भारत में जन्म लिया था, उसका नाम आज कौन नहीं जानता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स की, जो कि टाटा ग्रुप की एक बहुत बड़ी कंपनी है। इसकी शुरुआत उसी साल हुई जिस साल महिंद्रा की शुरुआत हुई थी। लेकिन टाटा उस समय महिंद्रा की तरह छोटे ऑटोमोबाइल की जगह बड़े बड़े लोकोमोटिव इंजन बनाने वाली कंपनी थी। लेकिन महिंद्रा को देखकर, या कहें कि आज़ादी के बाद देश में बढ़ती ऑटोमोबाइल कार और गाड़ियों की मांग को देखते हुए, टाटा भी बहुत दिनों से इससे दूर नहीं रहा। और लगातार काम करते हुए उन्होंने 1954 में टाटा की पहली कमर्शियल कार का निर्माण किया। इसके बाद कंपनी इसी दिशा में काम करने में लग गई। 1988 में उन्होंने अपनी पहली पैसेंजर गाड़ी टाटा मोबाइल निकाली, जो काफी हिट साबित हुई। उसके बाद उन्होंने 1991 में टाटा सियारा लॉन्च की, लेकिन अभी भी टाटा जीप की तरह ये लोगों के पास तक नहीं पहुंच पाई थी। इसलिए 1998 में उन्होंने पहली बार पूरी तरह से इंडिया में बनी एक कार को लॉन्च किया, जिसका नाम सबने सुना ही होगा और अब शायद भूल भी रहे होंगे। हम बात कर रहे हैं टाटा इंडिका की, जिसने अपने आने के साथ ही मार्केट में कम पैसों में भी टाटा इंडिको, टाटा सफारी, टाटा सुमो और दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो जैसी गाड़ियां निकली। आज वही टाटा मोटर्स इंडिया की सबसे सेफ कारों को बनाकर मार्केट में लाने में लगी है, जैसे टाटा जेस। इसके अलावा टाटा ने 2008 में विश्व मंदी के कारण लगभग बंद होने वाली जगुआर और लैंड रोवर जैसी विदेशी कंपनीज को भी खरीद कर उन्हें टाटा मोटर्स का हिस्सा बनाया। आज अगर टाटा मोटर्स की बात करें तो भारत में लगभग हर भारतीय को विश्वास जीतने में सफल रही है। टाटा कंपनी ने 2021 में 61,378 करोड़ रुपए की सालाना बिक्री करके अपने पिछले साल के रिकॉर्ड में 14.4% की बढ़ोतरी की है, जो कि महिंद्रा ग्रुप के टोटल सेल से करीब 15,000 करोड़ ज्यादा है। इसके साथ ही टाटा मोटर्स ने करीब 241,000 कमर्शियल गाड़ियों को 2021 में पूरे भारत में बेचा। ये तो हो गई इनकी शुरुआत की कहानी। आइए अब इसके बेसिस पर दोनों कंपनियों के बारे में कुछ और कंपैरिजन देखते हैं। अगर टाटा मोटर्स के मालिक की बात करें तो टाटा मोटर्स को टाटा ग्रुप की तरफ से चलाया जाता है, यानी कि वही इस कंपनी की पेरेंट कंपनी है, जिसकी नेटवर्थ लगभग 110 अरब US डॉलर है, जो कि महिंद्रा ग्रुप से कहीं ज्यादा है। इस तरह से आप समझने की कोशिश करें कि चाहे वो नेट सेल अमाउंट हो या नेट व्हीकल की बिक्री हो, टाटा ने इस मामले में बाजी मार ली है। लेकिन अगर महिंद्रा की बात करें तो उनकी कार बोलेरो ने एक साल में करीब 53,000 यूनिट सेल कर दी है। अब अगर बिजनेस से अलग हटकर परफॉर्मेंस की बात करें तो महिंद्रा की एसयूवी कारें जैसे बोलेरो, स्कॉर्पियो, एक्सयूवी, ईयूवी, ये सब आज के समय में टाटा की एसयूवी को पीछे छोड़ती हुई नजर आती है। महिंद्रा की बोलेरो आज ग्रामीण भारत में बहुत बेहतर ढंग से परफॉर्म कर रही है, लेकिन टाटा की कार अगर देखें तो वो बहुत ज्यादा शहरी लोगों के लिए रह गई है। टाटा की लगभग एसयूवी अब मार्केट में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है जो आज से एक दशक पहले करती थी। इसके अलावा और भी बहुत सी बातें हैं जिनमें दोनों कंपनियां एक दूसरे से बेहतर नजर आती हैं। लेकिन बतौर भारत की तरक्की की नजर से देखें तो आजादी के बाद इन दो कंपनियों ने देश को एक रफ्तार जरूर दी है। आपको क्या लगता है, टाटा और महिंद्रा में कौन है ज्यादा बेहतर, हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। क्या कहती हैं खतीजा? मैं तो यही कहती हूँ कि यार देखो, दोनों ने मेहनत की। और अगर हम कहते हैं ना, कुछ चीज़ों में कोई बाजी रह जाता है, कुछ चीज़ों में कोई बाजी रह जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। टाइम टू टाइम चीज़ वेरी करती, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, न्यू चीज़ें आती हैं, हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं डिफरेंट कंपनीज़, तो उसको देख देख के, जैसे शुरू में छोटी गाड़ियाँ होती थी, अब जैसे जैसे लग्जरी बढ़ती जा रही है लोगों के, जैसे कहते हैं गाड़ियों में भी लग्जरीपन बढ़ता जा रहा है, उसी तरह उनकी स्पीड, उनके अंदर डिफरेंट टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है। तो ये तो टाइम के साथ है ना, अब फिर कोई नई चीज़ आएगी, दोनों न्यू चीज़ करेंगे, लेकिन ये है कि उन्होंने इंडिया के लिए बहुत काम किया है। बेशक, क्योंकि जिस तरह कहा जा रहा है पार्टीशन से पहले कि M&M और फिर टाटा, महिंद्रा और मोहम्मद, ये फिर महिंद्रा हो गई, लेकिन ये है कि
इस सारे दौरान में अप्स एंड डाउन्स आते रहे। हमने पहले एक वीडियो कर रखी है जिसमें हमने रतन टाटा की लाइफ के हवाले से बात की कि रतन टाटा ने अपनी लाइफ किस तरह स्टार्ट की और फिर जैगुआर के ओनर ने उस वक्त उन्हें क्या कहा और फिर वो उन्होंने जैगुआर को खरीद लिया, मेहनत की तो फिर टर्न बिल्कुल डिफरेंट हो गया और उन्होंने, तो ये है सफलता या कामयाबी, ये सिर्फ और सिर्फ वैसे तो नहीं प्लेट में मिल जाती, इसके लिए बड़ी आपको तवज्जो करनी पड़ी, बड़ी स्ट्रगल होती है। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि टाटा और मोटर्स और महिंद्रा मोटर्स जो इनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इंडिया की इकोनॉमी के अंदर, इंडिया को ऊपर लेके जाने के लिए। आई थिंक ये सिर्फ मोटर्स की हद तक नहीं था, फिर इन्होंने डिफरेंट पे मतलब जो है वो नीचे सब कंपनीज बनाना शुरू कर दी और उन कंपनीज की वजह से भी जिस तरह टाटा स्टील है और ये सारी चीज़ें, तो एक चीज़ तो बिल्कुल ये वाज है कि टाटा मोटर्स और महिंद्रा मोटर्स ने इंडिया के लिए बहुत काम किया और आज भी वो इंडिया के अंदर और इंडिया को ऊपर ले जाने में इनका बहुत ज़्यादा किरदार रहा है। और दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो एक ये भी कहना गलत नहीं होगा कि इंडिया जैसे मुल्क के अंदर ये जो इस तरह की टेक्नोलॉजी को उस वक्त में इंट्रोड्यूस करवाना जब अभी पार्टीशन नहीं थी और जब सिर्फ और चंद एक व्हीकल्स ऐसी थी जो सिर्फ यूज़ होती थी उस वक्त, लोग गधा गाड़ियों और दूसरी थी, लेकिन उस वक्त ऑटोमोबाइल्स को लॉन्च करवाना इस सब कॉन्टिनेंट के लिए एक अपने आप में एक रेवोल्यूशन था। और उसके बाद ये बड़ी अच्छी बात है कि इन कंपनीज की ऑल ओवर द वर्ल्ड उनकी मोर देन 100 कंट्रीज सर्विंग करते रहे। और ये सिर्फ और सिर्फ फिर ना इंडिया के हद तक नहीं, इन्होंने ग्लोबली तौर पे चीजों को लेकर चले और आज ये ना सिर्फ इंडिया बल्कि इंडिया से बाहर भी इनकी गाड़ियां सब होती हैं, इंडिया के अंदर भी इनको कितनी ज्यादा, और लाइक ये एक मार्क है, एक बेंच मार्क है कि टाटा मोटर्स और महिंद्रा मोटर्स ये मतलब गाड़ी हो इनकी तरह की हो, तो इन्होंने वो बेंचमार्क सेट किया है। और यकीनन ये लग्जरी लाइफ तो देती ही देती हैं गाड़ियाँ, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने चंद एक गाड़ियाँ ऐसी भी बनाई हैं जो आम शहरियों के लिए हैं, वो इनकी सबसे हटके एक नई बात थी। तो आप बताएं कि आपको इनमें सब, क्योंकि टाटा एक बड़ी कंपनी है महिंद्रा, लेकिन महिंद्रा की चंद एक गाड़ियाँ जिस तरह हैं तो टाटा के अगर देखा जाए तो वो एक बड़ी मार्केट है उसकी और उसकी जो नेटवर्थ है वो भी कहीं ज़्यादा है। तो कहीं पर महिंद्रा टाटा से बात ही नहीं जाता, कहीं टाटा, हाँ लेकिन अगर वैसे महिंद्रा चंद एक चीज़ों में लेके कि टाटा उसकी इकोनॉमी उसकी नेटवर्थ और उसकी वो ज्यादा है। तो आप बताएं कि आपको इन दोनों में से किसकी गाड़ी ज्यादा अच्छी लगती है, आप किसको पसंद करते हैं, अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स के अंदर लास्ट में बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा और इंस्टाग्राम आईडी मेंशन में हमें फॉलो कीजिएगा और सजेशन भी लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए अपने अच्छे से मेजबानों को दीजिएगा इजाजत, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।